हनुमान जी महाराज के सामने कीर्तन करना है और मानस की ये चौपाई लिख लीजिए आप। दीन दयाल की जहाँ ये लिखा है तो अपने नाम का संकुट लगा दे और अपने नाम का संकुट लगा के इस चौपाई को 11 बार हनुमान जी महाराज से निवेदन करेंगे और आखिरी में कौन सुपाज कठिन जग माही हनुमान जी के लिए आप समझ लीजिए कि कथा में विलंब हो रहा है ठीक है, लेकिन आप सब फिर 6:30-7 बजे तक तैयार है क्या? ठीक, क्योंकि हनुमान जी महाराज इस कलयुग के राजा हैं। आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं आपको, इस कलयुग में सब देवी देवता अपने अपने लोक के लिए चले गए हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज कहीं नहीं गए। भगवान राम जी जब अयोध्या से जा रहे थे तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान चलो। हनुमान ने कहा कि प्रभु कहाँ चलना है? कहा हमारे साथ में वैकुंठ। हनुमान जी ने कहा कि एक बात बताइए प्रभु, वैकुंठ तो मैं चलूंगा पर आपकी कथा सुनने को मिलेगी क्या? हनुमान राम जी ने कहा कि भैया कथा तो नहीं मिलेगी, वहां तो हम ही मिलेंगे। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि जहां कथा होती है वहां आप भी पहुंचते हो और कथा भी सुनने को मिलती है, तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो दो को छोड़ के एक जगह जाएगा। इसलिए मैं तो प्रभु नहीं जाऊंगा और जब तक कलयुग में एक भी कथाकार बचेगा, जब तक राम कथा होगी, मैं वहां जाके कथा सुनूंगा और कलयुग में जो व्यक्ति राम कथा सुनने के लिए आ जाएंगे उनके सभी संकटों का मैं हरण करते रहूंगा। हनुमान जी महाराज आपको भले ही ना दिखते हो पर वो यहीं कहीं बैठे हो, बहुत सूक्ष्म रूप में बैठ जाते हैं, क्योंकि रात्रि में जब हम मंच से जाते हैं तो हमारा बहुत स्वास्थ्य खराब हो जाता है। पूरी रात स्वास्थ्य खराब रहा और आज तो थोड़ा लाइट के कारण भी हम पूरी रात सो नहीं पाए। लग रहा था मंच पे कि आज कथा कैसे कहेंगे, लेकिन जैसे ही हनुमान जी महाराज के पांडाल में प्रवेश किया तो ऐसा महाराज देखिए अपने आप रिचार्ज है आपके सामने उपस्थित, क्योंकि इनकी तो महिमा ही निराली है, ये कलयुग के महाराज है। और आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा हो तो कभी अयोध्या जी में आप हनुमान गढ़ी के दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पे हनुमान जी महाराज सिंहासन पे बैठे हुए हैं और राम लक्ष्मण दोनों धनुष लेके खड़े हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मत जाओ, लेकिन ये भूत प्रेतों को मानने से तो बढ़िया है कि हनुमान जी महाराज से लग जाओ तो किसी भी ठाकुर पे, किसी भी बाबा से, किसी अनुज से, किसी भी तंत्र मंत्र से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल हनुमान जी महाराज के मंदिर जाइए, एक दीपक लगाइए, श्री राम जय राम सुनाइए, प्रणाम करिए और चले आइए। आपके जीवन में कोई दुख नहीं आ सकता और आएगा तो कभी टिक नहीं सकता।
साहब आप परिचित ही हैं, कुछ भी करते रहिए, ये था और वो था और पूरी जिंदगी हो गई, लाखों रुपया बर्बाद पब्लिक का हो गया, लेकिन फिर भी दुखों से जूझ रहे क्योंकि सही जगह पहुंच ही नहीं रहे। इसलिए हमारे सत्य को पहचानें। बहुत लोग कहते हैं कि माताओं को हनुमान जी का पूजन या वंदन नहीं करना चाहिए। मैं भरे मंच से इनसे पूछना चाहूंगा कि बताइए कहां लिखा है कि हनुमान जी की पूजा माताओं को नहीं करना चाहिए? कहीं भी नहीं लिखा। और हमारे बुंदेलखंड में तो हनुमान जी को बप्पा कहा जाता है, आप कहते ना हनुमान बप्पा, तो बाप तो साफ बेटे का भी होता है बेटी का भी होता है, जो बाप है फिर वो अपनी बेटी से क्यों परहेज करेगा, आप ही विचार करें। हाँ इतना है कि माताओं को हनुमान जी महाराज के सन्मुख नहीं जाना चाहिए, उनकी प्रतिमा को नहीं छूना चाहिए, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि उनके हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ या बजरंग बाण का पाठ खूब करिए, दिन रात करिए, और कलयुग में इससे बड़ा सिद्ध तो कोई पाठ है ही नहीं। ये व्यासपीठ का दावा है कि आपको कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि माताओं को हनुमान की सेवा नहीं करना चाहिए। सिर्फ इतना परहेज है कि उनके मंदिर नहीं जाना, मूर्ति को नहीं छूना चाहिए, सामने नहीं जाना चाहिए, और 5 दिन उनके मंत्रों का जाप नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ इतना परहेज है, बाकी 2400 घंटे आप हनुमान जी का नाम जपिए, कोई दोष आपको नहीं है। और इसमें भी किसी को अगर शंका है, जो विस्तार में जानना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं, यथामति बुद्धि अनुसार आपके प्रश्न का समाधान किया जाएगा। कथा में विलंब हो रहा है, आइए कल की कथा में प्रवेश करते हैं। क्यों कल हमने कथा कहां छोड़ी थी, किसी को याद है? है किसी को याद? नहीं है। राम मंत्र का जाप करेंगे तो ये अर्जित मास में आपको इसका अच्छे फल मिलेगा।